नेशनल और स्टेट लेवल पर जितने टेस्ट होते हैं नॉर्दर्न इंडिया में जो हो गए, उनमें से कई बार क्वेश्चन श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पूछे जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो उनके मेन क्वेश्चन को इकट्ठा किया है, आपके सामने रख रहा हूँ। उससे पहले थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन एक स्टोरी के रूप में ऐसे लर्न करेंगे कि कई क्वेश्चन यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये गुरु नानक देव जी जब हुए हैं, उनकी उदासियाँ मेरे ख्याल 29,000 किलोमीटर उन्होंने पैदल यात्रा की है। जब उन्होंने यात्रा की तो वहाँ किसी संत से मिलते थे, किसी भगत से मिलते थे, किसी भट्ट से मिलते थे। ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उनसे जब मिलते थे, अगर वो संत स्पिरिचुअली टाक करके उनकी जो रचना होती थी, शब्द होते थे, श्लोक होते थे, उनकी वाणी जो थी वो गुरु नानक देव जी उनसे कलेक्ट कर लेते थे। कलेक्ट करते करते उन्होंने उनकी जो कलेक्शन थी, गुरु नानक देव जी ने वही कलेक्शन वो सेकंड जो उनके शिष्य जो नेक्स्ट गुरु बने हैं ना, गुरु अंगद देव जी, ये गुरु नानक जी पहली पातशाही इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं। फिर इन्होंने इनको हैंडओवर कर दी, इनको दे दी। इन्होंने अपने आगे शिष्य जो नए गुरु बने उनको दे दी। इन्होंने अगले गुरु जो बने उनको दे दी। ऐसे जो फिफ्थ गुरु थे श्री गुरु अर्जन देव जी, वहाँ तक ये वाणी बहुत कलेक्ट हुई। और श्री गुरु अर्जन देव जी ने सबसे ज्यादा श्लोक शब्द श्लोक जब वाणी लिखी, सबसे ज्यादा लंबी रचना भी, शाहकार रचना उनकी जो सुखमणी साहिब है वो भी उन्होंने लिखी। तो इतनी रचना जब स्पिरिचुअल एक खजाना इकट्ठा हो गया, तो पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी ने उनको 1604 ईस्वी में पूरी तरह संपादित कर दिया। 1604 ईस्वी में संपादना पूरी हुई थी और जो फर्स्ट हैंड राइटिंग थी वो इनके मामा जी भाई गुरदास जी की थी। तो उसके बाद ये पांच गुरु साहबान की वाणी है, उसके बाद छवें गुरु साहबान की वाणी नहीं है, सातवें की नहीं है, आठवें गुरु साहबान की नहीं है, नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की वाणी इसमें शामिल है और दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी शब्द जो हैं वो जो स्पिरिचुअल लेवल के हैं वो इसमें शामिल नहीं है। तो छह गुरुओं की वाणी है और ये 1604 में ये एक बड़ा जो प्रोजेक्ट स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट पूरा हुआ। तो ये जो इसलिए इसमें वाणी जो 12वीं सदी से लेके 17वीं सदी तक के संत जो हुए हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हुए हैं, उनकी वाणी है। 12वीं सदी में 1172 में, अगर मुझे राइट याद है, गलत हो भी सकता हूँ, 72 में बाबा फरीद जी हुए हैं। और बाबा फरीद जी की वाणी आप अभी भी पढ़ोगे तो उनको साफ पंजाबी समझ आती है। तो पंजाबी हमारे तक कैसे पहुंची, और सारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है पंजाबी में, मतलब मेन भाषा इसकी है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट में है ना। तो लेकिन भाषा टोटल जो डिफरेंट संत की है वो सारे पंजाब से नहीं थे, इंडिया के और दूसरे देशों के थे। दैट इज़ वाई 22 भाषाएं हैं इसमें। और संत कितने, भट्ट कितने, भगत कितने, भट्ट कितने, गुरु साहबान छः, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन क्वांटिटेटिव होते हैं, कहाँ कब संपादना कंप्लीट हुई है ना, इनकी कितनी वाणी, सबसे ज़्यादा वाणी, सबसे कम वाणी, इनके श्लोक श्री गुरु अर्जन देव जी के श्लोक कितने हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना किसने की, अच्छा इनको अरेंज कैसे किया गया है ना, राग म्यूजिक कितने राग हैं, कितने रागणियाँ हैं, टोटल राग कितने हैं, सब राग मिला के कितने हैं ना, ये 31 जैसे टोटल 32 मेरे ख्याल राग हैं, तो उनमें से 31 श्री गुरु ग्रंथ साहिब में यूज हुए हैं। तो पोइट्री फॉर्म में ही है, नॉर्मली जितने भी रिलीजियस स्पिरिचुअल वो ग्रंथ है ना वो पोइट्री में ही होते हैं, दूसरे रिलीजन को भी आप देख सकते हो। तो ये बेस था, ये जो मतलब इसके बेस पर जो डिफरेंट डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सामने रखने लगा हूँ। साथ में हिंदी में भी, दूसरे भाषा में होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हु कंपाइल्ड फाइनलाइज, कंपाइल किन्होंने किया, संपादना किन्होंने की और पूरा किस किन्होंने किया। तो अभी उत्तर है, मेरे ख्याल में 20% उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे, साथ साथ में वेरीफाई हो जाएंगे। जो मैंने बताए हैं वो नॉर्मली वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जैसे बी एड एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया था कब इनकी संपादना कंप्लीट हुई,
पिछले से पिछले बी एंट्रेंस टेस्ट में, तो 1604 उनका आंसर था। तो ये हो गया गुरु अर्जन देव जी, है ना, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, जल्दी चलेंगे क्योंकि जो याद करने की तरकीब जहाँ चाहिए होगी ना वहाँ थोड़ा सा रुक लेंगे, अदरवाइज जल्दी जल्दी चलेंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब मुख्य रूप में किस भाषा में लिखा गया है? तो मुख्य भाषा ये है, ये लिपि है, है ना, संस्कृत, हिंदी, यहाँ पर ऑप्शन है तो पंजाबी ही चूज करेंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कितने भजन और रचनाएं शामिल हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है ये ऑप्शन, सेम डल गया इसमें, मतलब ये रॉन्ग आंसर होगा। सो 5 याद रखना है, है ना, 5894 ये वाली डिजिट आपको याद रखनी पड़ेगी। 5 को हिंट ले सकते हैं, पीछे 4 है ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब कंटेन्स कितने अंग हैं? इसको अंग बोलते हैं, जो पन्ने जिसको हम बोलते हैं, 1430 मोस्टली क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें टोटल ये रहे कितने जो हैं, जो स्क्रिप्ट्स कितनी हैं टोटल, अभी जो क्वेश्चन गया 5894 इसको याद रखना होगा। टोटल कितने संत की बानी हैं, संत भगत भट्ट सभी को मिला के 36 की बानी है। कितने गुरु की बानी है, 6 गुरुओं की बानी है। कितने भट्ट हैं, 15 भट्ट हैं, है ना, सॉरी 11 भट्ट हैं। पर मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, इतनी जल्दी बता दिया, तो ये याद कैसे रखने हैं, ये साथ में है ना, 15 भगत से 11 भट्ट थे, ये जो है भगत कितने थे, वो 15 हैं, गुरु साहबान 6 हैं। तो ये याद कैसे रखने हैं साथ में अभी करेंगे कि एग्ज़ाम तक कम से कम लाइफ में हम भूलें ना। तो अभी दो रिपीट होता है वो भी याद रह जाता है। 1430 है ना, जब हम वो देखते हैं ना 786, इस्लाम में 786 मेरे ख्याल में, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, शायद उनके धर्म ग्रंथ के पन्ने हैं, है ना, तो ये हमारे पन्ने हैं। तो मैं क्या याद कैसे रखा उन, ये क्योंकि बहुत याद रहता है, ये याद नहीं रहता, तो इससे लगभग 2 गुना जो कर दिया, है ना, तो ऑप्शन में 14 के करीब कोई भी नहीं है, 7 को डबल से लगभग करके 14 पहला आ गया ना, 1430 30 याद रखना है, इतनी बात है, 786 से कंपेयर कर सकते हैं। हाउ मैनी सेंट्स, ये हिंदी में ये पांचवा है, हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब में कितने संत फकीरों की वाणियां दर्ज हैं? अब ये ध्यान है, ऑप्शन बड़े क्रिटिकल डाले हैं, ये गुरु साहिबान हैं, लेकिन टोटल अगर पूछा जाता है संत भगत भट्ट कितने हैं, 36 आंसर लगाना है। ये तो मेरे ख्याल में नुक्ता नहीं चाहिए क्योंकि टोटल है, याद हो जाएगा। कारण ये है कि जब हम करेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन आ ही गया है, भगत कितने हैं, है ना, ये रहे भगत, ये अब 36 कैसे बन जाएंगे पता चल जाएगा। भगत मैंने यहाँ लिखा भ ग त भगत, भ का एक, 1 2 3 4 5 मैंने 5 माना, गुना 3 की भगत का 15 बन गए जी, ये कुछ नहीं है, ये आपको बाकी जो आंसर हैं उनसे डिस्क्रिमिनेट करने में हेल्प करेगा, है ना, कि भगत ऐसे हैं। अगर ऐसे नहीं हैं, हिंदी में भगत लिखना है, भक्त लिखते हैं ऐसे हिंदी में, भ पंजाबी में भगत लिखते हैं, यहाँ पर भ गत, चलो पूरा नहीं है मुझे, इनको 3 बना लो, 1 2 3, तो इनको 5 से गुना कर दो, ऐसे सीख लो कि भक्त 3 शब्द हैं, उनको 5 से की तो 15 आ गए, भगत 15 थे, ये याद माइंड में रिटेन रखने का है, वैसे इसका कोई मीनिंग नहीं है, है ना, तो वो भट्ट में कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने भट्ट हैं, अब ये भट्ट आ गए, तो भट्ट को मैंने बहुत, मेरी जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ये लिखा मैंने भ बी एच ए टी टी भट्ट, ये टी टी जो था साफ ही तो लिखा है यार 11 भट्ट 11, ये तो कभी नहीं भूलेगा। हाँ वो भगत जो है उसके 5 गुना 3 या 3 गुना 5 करना, ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, 6 गुरुओं की बात पहले ही हो चुकी है। यहाँ पर अब क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ, ये रिपीटेड है 36, टोटल नंबर से 36 है,
भगत और भट्ट ये पूछे जाते हैं गुरु साहिबान, ये तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब कंटेन्स द कंपोजिशन ऑफ हाउ मैनी सिख गुरु, सिक्स ये बात हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं, सिक्स ये भी हो चुकी है। गुरु नानक देव जी, गुरु अंग, ओके हाँ, तो वो छह गुरु कौन से हैं, ये नाम पूछे जा सकते हैं, है ना। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, ये इनको ऑर्डर में ऐसे भी याद करना है, एक दो तीन, है ना, चार और पांच। अगर इनको अलग से छोटे बच्चों ने किसी ने याद करना है तो चलो, तो ये नाइन्थ गुरु थे, है ना। बाकी गुरु साहिबान की बाणी इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल नहीं है। नेक्स्ट हो गया ग्यारहवा, विच गुरु कंपोज द हाईएस्ट नंबर ऑफ शब्द, किस गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे अधिक संख्या में शब्द और श्लोकों की रचना की, तो वो अभी बात करके आए हैं, पांचवे गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी, है ना, सबसे ज़्यादा सुखमणी साहिब उनकी सबसे बड़ी रचना, और उनकी चलो आगे चल के बात करते हैं। फिफ्थ गुरु, अच्छा उनकी ये भी है, 5000 उतने कितने वो शब्द थे, उनमें से 2218, माई गॉड, 2218 लार्ज नंबर, सबसे ज़्यादा रचना इनकी है, है ना। तो नेचुरली ये तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मैनी श्लोक्स डिड थर्ड गुरु हैव, है ना, ये क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं लेकिन ये डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो कौन से कितने हो सकते हैं, थर्ड गुरु साहिबान ने कितनी की, 907, ओके, ये एक लेस इम्पॉर्टेंट है, बहुत कम पूछा जाता है। अच्छा ये जोड़े दिए हुए हैं अभी, चौथे और पांचवे गुरु, प्रथम और तृतीय गुरु, दूसरे और नौवें गुरु, इनकी रचना मिला के सबसे ज़्यादा किन की रचना बन रही है ये बताना है। ध्यान से देखो, ऑल गुरुज हैव इक्वल, इसको डिलीट कर सकते हैं आप, सेकेंड एंड नाइन्थ नहीं, नौवें गुरु साहिबान की कम है बाणी, तो मेरे ख्याल में अगर आपने अंदाज़ा लगाना है तो फिफ्थ गुरु, गुरु अर्जन देव जी की तो केलों की इतनी बारी है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ को चूज करेंगे राइट आंसर। चौदहवां क्वेश्चन है, अच्छा आंसर मिल गया यहाँ पर, फोर्थ और फिफ्थ गुरु, गुरु रामदास जी 679 और गुरु अर्जन देव जी 2218, ये तो पहले ही पता है कि ज़्यादा है। प्रथम गुरु, गुरु नानक देव जी ने कितने शब्द और श्लोकों की रचना की, पंद्रहवां क्वेश्चन है, इसके आंसर यहाँ पर है 62, 974, 907 और 679, कितने की, ये वाले रहेंगे 974। ऐसे है गुरु नानक, ना गुरु नानक, है ना, गुरु नानक, नानक के 9 से इसको एसोसिएट कर लीजिए कि 974, 9 का ये लिख, एन का 9 बना लिया और के का 7 बना लो, इतना बहुत है, चार पीछे ऐसे डाल लो अगर इतना याद रहता है, अदरवाइज टेंशन मत लो। नेक्स्ट है, विच गुरु कंपोजिशन हैव द हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ शब्द एंड श्लोक्स, पहले भी आ चुका है फोर्थ, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, हाउ मैनी राग मेलोडीज मूड आर यूज इन कंपोजिशन ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कितना क्वेश्चन है, 17वां, ये रहा 17वां, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचनाओं में कितने रागों और मधुर विधाओं का प्रयोग किया गया है, ये मैं बता चुका हूँ, 32 शायद मेरे ख्याल में टोटल राग हैं, तो 31, वो क्यों बताता हूँ 32 हैं, कि बहुत ज़्यादा लगभग सारे राग जो हैं उनका प्रयोग किया गया है, लेकिन अगर राग रागनियाँ या सब राग मिला लिए जाएँ, अगर टोटल क्वेश्चन पूछा जाए तो वो 60 आएगा, है ना, अगर मेन राग पूछे जाते हैं वो 31 आएगा, ये डिफरेंस समझ लेना है। नेक्स्ट है, इधर भी हिंदी में भी साथ साथ में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म के शाश्वत गुरु माना जाता है, किस गुरु ने ऐसा घोषित किया, है ना, तो ये गुरु गोबिंद सिंह जी, ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की मूल हस्त लिखित प्रति कहाँ रखी गई है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता क्यों है, बताऊँ क्यों है, क्योंकि यहाँ मैं खड़ा ये वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट है यहाँ से, यहाँ पर ये जो
सबसे जो आद ग्रंथ जिसको बोला जाता है ना, वो कहाँ पड़े हैं ओरिजिनल वाले, तो वो करतारपुर साहिब में। ये करतारपुर, यहाँ ये वीडियो भी बन रही है, करतारपुर गांव सोढ़ी परिवार। सोढ़ी परिवार जो है ये यहाँ पर मिला मिलता है, इस यहाँ पर किला बोलते हैं, किला है ना, तो किला उसके किले में बीच में है। जब बचपन में हम होते थे तो जो विसाखी वाले दिन है ना, 13 अप्रैल को, तो वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब को बाहर निकाला जाता था, पाठ किया जाता था, तब उसके दर्शन हम कर सकते थे। 7-8 साल हो गए हैं उनको, फिर ऐसे किया गया था, पाठ रखा गया था, हमने दर्शन किए। तो बहुत छोटा सा, मतलब ओरिजिनल अभी तक वहीं संभाला पड़ा है, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाती है, SGPC के पास नहीं है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, याद रहेगा आपको कि यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, बस बिल्कुल यही नज़दीक है, किला हमारे बिल्कुल नज़दीक है। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, है ना, ये बात हो चुकी है। गुरु अर्जन देव जी ने 1604 ईस्वी में कंपाइल कर दिया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की लगभग आधी रचना किसने लिखी? तो मेरे ख्याल में ये भी नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रचना जो है फिफ्थ गुरु गुरु अर्जन देव जी की है। हाउ मैनी हेम्स वर कंपोज बाय गुरु अर्जन देव जी इन श्री गुरु ग्रंथ साहिब? रिपीट हो चुका है, दो दो 16 वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस वर हेम्स ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब इज रिटन? श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कितने भजन, कितनी भाषाओं में, कितनी में है ना, 22 में है, ये भी बात हो चुकी है। 24वां क्वेश्चन है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब किस लिपि में लिखा गया है? गुरुमुखी लिपि में, पंजाबी भाषा है, देवनागरी में नहीं है, संस्कृत भाषा है, पंजाबी भी भाषा है, यहाँ लिपि पूछा गया है। अगर कॉमन सेंस आपने यूज़ करनी है, ऐसे कर सकते हैं कि गुरुमुखी लिपि है, एल लिख दिया, देवनागरी लिपि है, ये भाषा है ना, ये तो रिजेक्ट हो गए, तो इनमें दोनों में से ही आंसर होगा। तो गुरुमुखी, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु साहबान, गुरुमुखी, तो ये तो सीधा ही एसोसिएट हो रहा है ना। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन, यहाँ भी हिंदी में भी ये रहा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब भजनों की लय और वर्गीकरण का आधार क्या है? ये वाला क्वेश्चन पीछे रह गया, उसका आधार क्या है? आंसर क्या होएगा? म्यूजिक है, संगीत है ना, शास्त्र नहीं है, लोकगीत रिजेक्ट होंगे, संगीत है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मूल रूप में किन भाषाओं में लिखी और बोली गई सामग्री शामिल है? अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, ये पहले भी डिस्कस नहीं हुआ। गुरुमुखी, प्राकृत और राजस्थानी, फारसी, अरबी और बंगाली, संस्कृत और मराठी, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया है कि ये इन भाषाओं के संतों की बाणी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कुल कितने राग उपराग सहित, मतलब टोटल अब बताने हैं, तो यहाँ पर 36 नहीं आप बताओगे, ये बताओगे 60 है ना, राग रागणियां जैसे, या उपराग जो हैं वो मिला के जो होते हैं, मेन राग जो है 31 है, टोटल होते हैं मेरे ख्याल में 32, गलत भी हो सकता हूँ, 31 भी हो सकते हैं शायद। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचनाएं कब लिखी और पढ़ी गई? पहली से छठी शताब्दी में, शुरू में मैंने बताया ना, बाबा फरीद जी की बाणी 1172 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, इट मीन्स 12वीं सदी से ये शुरू होगी उनकी बाणी, यहाँ से हमारे पास है ना, 17वीं सदी तक श्री गुरु तेग बहादुर साहब उनकी बाणी शामिल है। सो 12वीं से 17वीं, ये सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दी थी, उसी में ये आंसर आ गया था। 29th क्वेश्चन है, हाउ इज द गुरु ग्रंथ साहिब डिवाइडेड? रागस, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये रहा, गुरु ग्रंथ साहिब में पहला राग कौन सा है? राग आसा, आसा राग, ये रहा आसा राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन, जितने राग हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रत्येक राग के भजन कैसे व्यवस्थित हैं? कैसे व्यवस्थित हैं, ये भी आता है, काला अनुमित, पता नहीं क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है समय के अनुसार, है ना। तो नेक्स्ट है, यहाँ से ऑप्शन भी देख लेने थे, बाकी गलत हैं। द श्री गुरु ग्रंथ साहिब है इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शन कॉल्ड रागिज? कितने रागिज हैं? सेवन, सेवन इज आंसर। और
विच रागी सेक्शन ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब इज एसोसिएटेड विद ईवनिंग प्रेयर और सेरामनी। तो मेरे ख्याल में ये जो पंजाब वाले लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन सा है। जपची साहिब सुबह करते हैं, है ना, नॉर्मली रह रास का पाठ करन चलिए मैं कहते हैं ना कर दे लोग भी जेडे करते हैं सोदर रह रास साहिब। नेक्स्ट है यस हिंदी में भी यस किस भजन को मूल मंत्र और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्रारंभिक छंद माना जाता है। तो जपजी साहिब इसमें कोई शक नहीं है। जपजी साहिब इज कई ये भी कहते हैं कि जपजी साहिब में सब कुछ लिख दिया गया, बाकी श्री गुरु ग्रंथ साहिब उसकी एक्सप्लेनेशन है ना, बाकी गुरु साहिबान जो उनके शिष्य थे उन्होंने उनकी एक्सटेंशन किया बाकी अच्छी तरह से समझ आ सके। तो किस गुरु साहबान ने संकलन प्रक्रिया को पूरा करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अपने स्वयं के भजन जोड़े, स्वयं के भजन क्योंकि गुरु अर्जन देव जी ने ही इनकी संपादना की और अपने ही भजन जोड़े, है ना। संकलन की प्रक्रिया को पूरे करते हुए ये भी लिखा है ना, सो गुरु अर्जन देव जी ही इसका आंसर होगा। सिख विवाह समारोह के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब की कौन सी पंक्तियाँ जहाँ का पाठ किया जाता है? आनंद साहिब का, आनंद साहिब, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। जब सतगुरु मिल जाता है तो इतना आनंद आता है, वो आनंद जो वो व्याख्यान है तो हम बोल के करते हैं उन्होंने पा लिया था, शायद पाने के लिए हमें कहा हो, याद रखने के लिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंत में किस गुरु की वाणियाँ मिलती हैं? गुरु तेग बहादुर साहिब की लास्ट में, है ना, जब वो भोग भी पड़ता है। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किस प्रकार का साहित्य प्रमुखता में मिलता है? फॉर्म ऑफ लिटरेचर कौन सी है? शुरू में बताया हूँ पोइट्री, सभी ग्रंथ जो हैं धार्मिक ग्रंथ नॉर्मली इसी में होते हैं। नेक्स्ट है शायद लास्ट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की प्रारंभिक रचना मूल मंत्र के लेखक कौन है? गुरु नानक देव जी, ये तो पता होगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब कौन सी रचना सबसे लंबी निरंतर कविता मानी जाती है? जपजी साहिब ने, आनंद साहिब ने सुखमणि, सुखमणि सुखमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम। सुखमणि साहिब में 24,000 वर्ड्स हैं और ये इतनी साइंटिफिक क्यों मानी जाती है? क्योंकि एक मनुष्य एक दिन में 24 घंटे में कितने श्वास लेता है, इतने श्वास लेता है। इट मीन श्वास श्वास का वर्णन है कि उसकी उपमा है। और भी कई साइंटिफिक एनालिसिस इसके हुए हैं। दैट इज़ ऑल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इस पर और क्वेश्चन डिफ़िकल्ट मिले तो उस पर बना दूंगा। थैंक यू, ज़रूर देना कि कोई डिफ़िकल्ट एरिया हो वो ज़रूर बताना। थैंक यू।